आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पर्सनल टॉक्स करने वाली हूँ, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि हम सब सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं और सोशल मीडिया पे तो हर कोई अपने आप को यही दिखाता है कि वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश इंसान है. बट इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ, कहीं ना कहीं हम सब भी ये बात जानते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ही ज़्यादा दिखावटी भरी लाइफ जीते हैं. जितना कि सच नहीं होता, उससे कई ज़्यादा वो सच दिखाते हैं. और ऐसा ही मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है द क्रिएटर क्लोजेट, जो कि है स्टोर फॉर क्रिएटर्स. एंड जब मैंने ये आइडिया सोचा था, हम लोगों ने सोचा था जब ये आइडिया को स्टार्ट करने का, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम इसे अपैरल कंपनी बनाएंगे. बट नाउ आई एम फीलिंग कि अपैरल कंपनी में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरी कोई एक्सपर्टीज है उस चीज़ में. तो मैं इसे कुछ और बनाना चाहती हूँ, लाइक समथिंग फॉर एम्बिशियस पीपल, समथिंग फॉर लाइक पीपल जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ. तो मैं एक स्टोर बनाना चाहती हूँ फॉर क्रिएटर्स. बट समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, स्पेशली जब आप स्टार्टअप वर्ल्ड में होते हो, आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो कि लोग बड़े बड़े एडटेक कंपनीज बना रहे हैं, लोग अपने ऐप लॉन्चेस कर रहे हैं. बट आई एम जस्ट डूइंग अ सिंपल लाइफस्टाइल बिजनेस. एंड आई एम श्योर कि आप सभी के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आप कुछ भी काम करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको लगता है कि वो काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वो काम इतना रेलिवेंट नहीं है जितना कि और लोग आपके आसपास के लोग कर रहे हैं. और इसी वजह से हमें फोमो होता है, जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं. हमें लगता है कि शायद हम अपनी लाइफ को इतना इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसा कुछ बड़ा अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं. एंड मैंने भी इसके पहले बहुत सारे स्टार्टअप्स रन करके देखे थे. मैंने देखा था कि सर्विस इंडस्ट्री कैसे काम करती, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस कैसे काम करते हैं. बट मुझे लगा था कि सर्विस बेस्ड कंपनी मेरे लिए उतनी नहीं बनी है जितना कि मुझे किसी प्रोडक्ट को देकर लोगों को खुश करने में ज़्यादा मज़ा आता है. मैंने रियलाइज़ उसी टाइम पे कर लिया था कि मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की नहीं बनी हूँ, मुझसे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस नहीं होते हैं. चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाती हूँ. और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट बिजनेस की बात करूँ, तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस मुझे ज़्यादा ईजी लगते हैं, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना वहाँ आसान होता है. और मुझे हमेशा से ऐसी कंपनी बनानी थी कि मैं जहाँ पर भी काम करूँ, जिस भी कस्टमर के साथ काम करूँ, वो कस्टमर मुझसे हमेशा सेटिस्फाई रहे. एंड दैट्स वाई मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं. मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले ही बताया है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं जो कर रही हूँ वो उन गलतियों की वजह से ही कर रही हूँ. बट कई कई मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि, और मुझे लगता है कि शायद ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज आजकल की हाइप क्या है? आजकल की हाइप है क्रिप्टो, आजकल की हाइप है स्टॉक्स की बात करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग फाइनेंस की बात करते हैं. बट मेरा उस तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी. ऑफ कोर्स फाइनेंस और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में काम आती है जब आप एक लेवल पर पहुँच जाते हैं, जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसे होते हैं. बट जब भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आप बिज़नेस की में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हो, उस बिज़नेस को बिल्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हो. और मैं यही देखती हूँ कि मैं जब यूट्यूब पर भी अपनी बात कर रही होती हूँ, तो फिर यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोग आजकल फाइनेंस की तरफ बात कर रहे हैं, और वही यूट्यूबर्स आगे भी बढ़ रहे हैं. बट मुझे लगता है कि ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, बट ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस काम में मज़ा भी आ रहा है कि नहीं. क्योंकि ऐसा कोई काम करने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पर आपको कोई मज़ा ना आए, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे, यू आर जस्ट फॉलोइंग अ हाइप. और ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं होता उस काम में, वो लोग किसी और को देखते हैं, वो काम करने लग जाते हैं, एंड दैट्स वाई दे फेल. तो उस तरह की हाइप्स को, उस तरह की चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा ये है कि आप कोई छोटा काम करो, बट उसे बेटर तरीके से करो, तो लॉन्ग टर्म में आप उसे बड़ा ज़रूर बना लोगे. और ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं, बल्कि मैं खुद के लिए बना रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी एंग्शियस फील करूँ, तो ये वीडियो मैं खुद को दिखा सकूँ. एंड समटाइम्स वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल. बट अप्रूवल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना फोकस कर रहे हो. एंड बिल गेट्स ने भी एक बार ये बात बोली थी कि इट डजंट मैटर कि आप क्या काम करते हो, इट मैटर कि आप कितना फोकस से वो काम कर पाते हो. क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लाखों चीज़ें हो रही हैं, बट अगर आप हर किसी को फॉलो करने लग गए, तो आप फोकस खो बैठोगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कौन से फील्ड में काम कर रहे हो, इट मैटर कि आप उस काम को लेके कितना ज़्यादा पैशनेट हो. कि आइडियाज़ तो सबके पास होते हैं, इस दुनिया में आइडिया से कमी नहीं है बिज़नेस की, बट लोग उस चीज़ को लेकर इतना पैशनेट नहीं है. मेरे पास ये बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बट उन कौन से आइडियाज़ में मैं पैशनेट हूँ, मैं उसी पर काम कर रही हूँ. सेम तरीके से आपको भी फाइंड आउट करना होता है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको भी कभी फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ. आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है जिस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा पैशनेट हो. और इट डजेंट मैटर कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ऐसे कौन सी लाखों चीज़ हो रही है, लोग एडटेक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आपको आपके सिर्फ उस एक काम पर फोकस होना चाहिए.
So at last, the three takeaways that I want you to learn from this video is, do not follow trends blindly. Like there are so many trends around you. आपको ऐसे बहुत सारे trends आगे future में ही मिलेंगे, but क्या आप अपने काम को इसी तरह छोड़ते रहोगे? क्या मैं अपने काम को इसी तरह छोड़ दूंगी तो क्या वो सही होगा? Of course नहीं होगा, क्योंकि हम maximum अपनी life में दो या तीन काम ही कर सकते हैं, unless कि हम Elon Musk नहीं हैं. So you should not follow trends all the time. अगर आपको कोई नई चीज़ टेस्ट करनी भी है तो आपने पुराने बिजनेस में ही इंकॉर्पोरेट कर सकते हो. लाइक मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक आर्ट फ्रेम वगैरह सेल करूँ, क्योंकि मुझे अपैरल में उतना इंटरेस्ट नहीं है. आई एम फाइंडिंग आउट समथिंग एल्स टू सेल ऑन माई वेबसाइट. सो सेम थिंग यू शुड ऑल्सो डू टू टेस्ट समथिंग. माई नंबर टू टेक अवे इज ऑलवेज डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट. बिकॉज कोई मतलब नहीं बनता अगर आप उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं हो. आप जस्ट कोई ट्रेंड को फॉलो करो, आप क्रिप्टो की बात करो, बट क्रिप्टो में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसका ऑफकोर्स कोई मतलब नहीं है. माई नंबर थ्री टेक अवे इज़ डोंट डू थिंग्स इफ़ यू हैव फोमो. अगर आपको किसी चीज़ का डर है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो शायद मैं रिलेटेबल नहीं हो पाऊँ लोगों के लिए, उतना रिच नहीं बन पाऊँगा, या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट जैसी चीज़ आपके अगर आपके माइंड में है, तो उसको आप पहले आराम से बैठो, सोचो कि क्या ये सही है, क्या इस चीज़ को फॉलो करना सही है, तो ही आप उस काम को आगे बढ़ाओ. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. आई होप कि ये वीडियो आपके साथ रिलेटेबल होगी, एंड आई नो कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आई एम श्योर. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. सब्सक्राइब करना इज़ वेरी नेसेसरी. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.